हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा एक होर वीडियो दे विच। तां हुणे हुणे ताज़ा खबर आई है, तुहानू दस दिए कि तुहानू गैस सिलंडर 500 रुपये सस्ता मिलेगा जे तुसी इस तरीके नाल करदे हो बुकिंग। दसदियां तुहानू इस तरीके दे बारे तुसी वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखदे रहो। तो वीडियो शुरू करन तो पहला लाइक ते शेयर जरूर कर दिओ ते साडे नाल जुड़े रहन लई चैनल नू सबसक्राइब कर लो। तो दोस्तों तुहानू दस दिए कि करोना वायरस नाल सारे पासे हाहाकार मची हुई है। उत्थे ही इस वायरस के कारण बहुत कुछ होर भी बदल रहा है। लोग अपने घरां तों निकलण तों पास वरत रहे ने ते अपने ज़्यादातर काम काज ऑनलाइन ही कर रहे ने। रोजाना ही दुनिया ते लखां दी गिनती विच करोना पॉजिटिव सामने आ रहे ने। इंडिया दे विच भी रोजाना 60 तों 70 हज़ार दे तकरीबन पॉजिटिव केस सामने आ रहे ने। हुण एक चंगी खबर गैस सिलंडर बुक करवाउण वालियां दे लई आ रही है। जे तुहाडा LPG सिलंडर खत्म हो गया, जे तुसी बाहर नहीं जाना चाहुंदे तां तुसी ऑनलाइन भुगतान ऐप Paytm नाल सिलंडर बुक कर सकदे हो। यह कैशबैक उन्हां उपभोक्तावां लई है उपलब्ध होवेगा जो पहली बार Paytm तो LPG गैस सिलंडर बुक कर रहे ने। तुहानू दस दिए कि Paytm तो LPG सिलंडर बुक करन दे लई 500 रुपए तक दा कैशबैक मिलेगा। हालांकि यह कैशबैक उन्हां उपभोक्तावां दे लई उपलब्ध होवेगा जो पहली बार Paytm तो LPG सिलंडर बुक कर रहे ने। जे तुसी Paytm जरिए पहला ही सिलंडर बुक करवा लिया है तो तुहानू कैशबैक की पेशकश नहीं मिलेगी। जिक्र योग है कि Paytm ने तेल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड नाल घर बैठे LPG सिलंडर बुकिंग सहूलत लई समझौता किया। इसका मतलब है कि इंडेन के गाहक Paytm की वरतों करके सिलंडर बुक करवा सकते हैं। इस तों इलावा भारत गैस HP गैस के गाहक भी इस सहूलत की वरतों कर सकते हैं। तो दोस्तों तुसी Paytm राही ऑनलाइन गैस सिलंडर बुक करवा के पहली बार अपने सिलंडर के 500 रुपए का कैशबैक लै सकते हो। तो बाकी तुसी दसो कि तुसी गैस सिलेंडर की बुकिंग दे पेमेंट ऑनलाइन कर दियो जां ऑफलाइन, सानू इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर जरूर करियो। तो साडे नाल जुड़े रहने लई चैनल नू सबसक्राइब कर लो ते नाल बने बैल नू भी दबा दियो जिस नाल तुहानू इसे तरह दीआं आउण वालीआं नवीआं ते ताज़ा खबरां दा सब तो पहलां पता लगदा रहूगा। तो इस वीडियो दे विच इन्ना ही, मिलदे आ किसे नैक्सट वीडियो दे विच। तद तक लई धन्नवाद।